बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह करम से ठीक ही होंगे। तो ये देखिएगा, मैं मलाई कटलेट बनाई हूँ, बहुत टेस्टी और मज़ेदार बने थे। तो चलिए आप लोगों को मैं इसकी रेसिपी बताती हूँ। तो ये देखिएगा, मैं 3 मीडियम साइज़ के आलू ली हूँ और 1/2 किलो चिकन ली हूँ। तो मैं इससे अभी कुकर में डालकर हम लोग इसको गला के ले लेंगे। तो ये देखिएगा, मैं हमारे आलू डाल दी हूँ और चिकन को भी मैं हमारे कुकर में डाल दी हूँ। तो देखिएगा, मैं 1/2 गिलास से थोड़ा ज़्यादा पानी ली हूँ और मैं हमारे कुकर में डाल दूँगी और 1/2 टीस्पून मैं नमक ली हूँ, मैं ये भी इसमें डाल दूँगी। तो ढक्कन ढक के मैं हमारे कुकर को बंद करके ले लूँगी और चिकन आलू को गलने के लिए हमारा चूल्हा भी मैं ऑन कर लूँगी। ये देखिएगा, मैं चूल्हा ऑन कर चुकी हूँ। तो देखिएगा, ये देखिएगा, हमारे आलू और चिकन अच्छे से गल चुके हैं। हमारे आलू गलने में बहुत समय लगा था, तो आप देखकर अपने हिसाब से आलू चेक करके गला लेना। तो मैं हमारे चिकन को भी छोटे छोटे पीसेस में चीरा करके ले ली हूँ, आलू को भी अच्छे से मैश करके ले लूँगी। और मैं अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल चुकी थी, तो मेरा वो वीडियो स्किप हो गया था। आप लोग 1 टीस्पून अदरक लहसुन इसमें ऐड कर देना, ठीक है। और मैं 1/2 किलो गोभी ली थी, उसमें का 1/2 ली हूँ, और एक मीडियम साइज़ का गाजर ली थी, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये देखिएगा, मैं 1/2 टीस्पून इसमें काली मिर्चों का पाउडर डाल दी हूँ और हरी मिर्चें बारीक काट कर, 3-4 हरी मिर्चें हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा हरी मिर्चें डाल सकते हैं। जितना ज़्यादा तेज़ चाहिए या कम चाहिए, आपके हिसाब से आप हरी मिर्चें ऐड करें। और मैं इसमें बारीक कटा हुआ कोथमीर भी डाल दी हूँ और इसमें 1/2 से भी कम मैं नमक डाली हूँ, क्योंकि हमारे चिकन में आलू में नमक था, तो मैं इन हिसाब से थोड़ा सा ही नमक डालूँगी। और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल दूँगी मैं इसमें, और 1 टीस्पून मैं सोया सॉस डाल दूँगी। तो ये देखिएगा, मैं सोया सॉस भी इसमें डाल दी हूँ। अब मैं डालूँगी 4 से 5 टीस्पून मैं टमाटो केचप ली थी, मैं इसका टमाटो केचप भी इसमें ऐड करके ले लूँगी। टमाटो केचप डालने से बहुत टेस्टी रहता है, ठीक है, टमाटो केचप ज़रूर डालना। और मलाई कटलेट तो बन रहा है, तो इसमें मलाई तो पड़ेगी ही। तो मैं मलाई ली हूँ, 5 टीस्पून मैं मलाई ली हूँ। ये देखिएगा, 5 टीस्पून मैं मलाई ली हूँ। अब मैं मलाई डालकर इन सबको मैं मिक्स करके ले लूँगी, चिकन और सब्जियों को अच्छे से मिक्स करके ले लूँगी मैं। और मैं अच्छे से हाथ धो ली थी, हाथ धोकर ही मैं मिक्स करके ली हूँ। ये देखिएगा, सब अच्छे से मिक्स कर ली हूँ मैं। अब मैं कटलेट का बनाने का बताती हूँ। ये देखिएगा, मैं थोड़ा सा पेड़ा ली हूँ, तो मैं इसको सब राउंड शेप करके हथेली में रख कर इसको चपटा करके ले लूँगी। ये देखिएगा, इस तरीके से चपटा करके ले लेना है। मैं दूसरा भी करके बताती हूँ। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े के बने थे। आप लोग भी ज़रूर बना के मुझे कमेंट में बताना, ठीक है, कैसे बनाए आप लोगों ने मेरी रेसिपी देखकर, ठीक है। ये देखिएगा, मैं दूसरा भी बना के बता रही हूँ। इस तरीके से करके मैं बना लूँगी सारे कटलेट। मैं थोड़ा सा बचा था, बाकी का बनाकर मैं फ्रिज में रखती थी। दूसरे दिन फिर हम लोग बना के खाए कटलेट, दूसरे दिन भी बहुत अच्छा ही था। 2-3 दिन ही रखना, इससे ज़्यादा मत रखना, ठीक है। तो ये देखिएगा, कटलेट तैयार हो गए हमारे। मैं ली हूँ सेवियाँ, मैं भी इसको अच्छे से सेवियाँ को अच्छे से मैं मैश करके चूरा करके ले ली हूँ। तो ये कॉर्नफ्लेक आटे का घोल है, 4 टीस्पून मैं कॉर्नफ्लेक आटा डाली थी, उसमें पानी का डालकर उसका घोल बना के ले ली हूँ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फ्राई करना। ये देखिएगा, मैं पहले 2 डाल चुकी हूँ, अब आप लोगों को बताती हूँ। ये देखिएगा, इस तरह से कॉर्नफ्लेक आटे के पानी में डिप करके, सेवियों में डिप करके, फिर मैं इसमें तेल में छोड़ दूँगी। ये देखिएगा, दूसरा भी बताऊँगी मैं।
तो ये बने थे कटलेट, तो ये तो मेरे बच्चे खा लिए थे जो मैं डिश आउट करके गार्निशिंग करके मैं रखी हूँ, वो दूसरा बैच बनाई थी मैं। ये जो पहला बनाई थी मेरे बच्चे खा लिए थे, रोज़े का टाइम हो रहा था बोल के, तो ठीक है ये बहुत मज़े के बने थे। तो ये देखिएगा मैं दूसरा भी डाल के बता देती हूँ आप लोगों को। तो चलिए हम लोग इसको एक साइड पकने देंगे। ये देखिए एक साइड फ्राई हो चुके हैं, 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो इसको पलट के ले लेंगे हम लोग। ये देखिएगा एक एक करके जो फर्स्ट में डाले हैं उसको पहले में पलट के ले लेंगे हम लोग इसको, सारे कटलेट को। ये देखिएगा कितने मज़ेदार, कितने खूबसूरत से कटलेट बने हैं। तो जितने दिखने में अच्छे होते खाने में भी अच्छे थे। ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, और लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिएगा हमारे कटलेट बन के तैयार हो गए हैं। चलिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।